आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी गुड। आप बहुत अच्छे होंगे, है ना? और अच्छे होने के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अब वो समय है जब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास से आप सभी बहुत ज्यादा मस्ती काटकर 12th क्लास में आ गए हैं। और 12th क्लास हमारी कौन सी होती है? ये होती है बोर्ड क्लास, राइट? तो बोर्ड क्लास में आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो बच्चों, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और इस पढ़ाई के सफर को हम दोनों मिलके आसान बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की अपने पहले चैप्टर के साथ, जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है। इस चैप्टर को इंग्लिश में कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, करेक्ट है? ठीक है, अब ये चैप्टर हमको बता रहा है कि यहाँ पर पुष्पी पादपों की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? पुष्पी पादपों की क्या बात हो रही है इसमें? यानी कि फूल वाले पौधे। ठीक है, फूल वाले पौधे या पेड़, फूल वाले पौधे या पेड़, करेक्ट है? बिल्कुल ओके। अब इन फूल वाले पौधों में क्या? इसमें लैंगिंग प्रजनन। ठीक है, जनन के बारे में हम क्लास 8 से लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। पढ़ रहे हैं हम? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो जनन को हम क्या कहते हैं? जनन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब इस जनन में होता क्या है? यहां पर दो जनक मिलके, एक नर और एक मादा मिलके अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? जनन बोलते हैं। अब ये जो जनन होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो गया जी? अलैंगिक, अलैंगिक जनन। ठीक है, पहला कौन सा हुआ? अलैंगिक जनन। दूसरा कौन सा हुआ? लैंगिक। दूसरा है हमारा लैंगिक जनन। ओके, अब ये जो अलैंगिक जनन होता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो अलैंगिक जनन होता है यहां पर सिर्फ एक ही जनक, एक जनक यानी कि सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट काफी होता है। किसके लिए? जनन के लिए। ठीक है, ये काफी होता है जनन के लिए। ठीक है, और ये अपनी संतति को अकेले ही उत्पन्न करता है, पैदा करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा को। अमीबा तो आपने देखा ही होगा, है ना? कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर है अमीबा का। अब बच्चों, ये जो अमीबा है ना, ये जो है इसका पूरा शरीर ही एक पूरी बॉडी होती है। सोचिए कितना अमेजिंग है ना, इसका पूरा शरीर एक बॉडी है, मतलब एक कोशिका है, एक सेल है। ये सिर्फ एक सेल है, लेकिन ये एक सेल होने के बाद भी जनन की क्रिया कर सकता है। कितना अमेजिंग है ना, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सोच के देखिए कि एक सेल जनन का कार्य कैसे कर सकती है, लेकिन ये करता है और अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। और ये एक सेल है इसीलिए इसको हम, ये एक कोशिका है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका, और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ओके, तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ये हो जाता है। फिर अगर हम लैंगिक जनन पर आते हैं,
यहाँ लैंगिक जनन में हमको दो जनकों की जरूरत होती है, ठीक है? दो जनक मतलब टू पेरेंट्स, ओके? यहां पर हमको दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। कौन से होते हैं दो पेरेंट्स? एक होता है नर और एक मादा, ठीक है? नर को क्या बोलोगे अब? नर हो गया हमारा मेल, मादा कौन है? फीमेल, करेक्ट? बिल्कुल, नर है मेल, मादा है फीमेल। अब नर से हमको क्या मिलता है? नर युग्मक मिला, ठीक? मादा से हमको क्या मिला? मादा युग्मक, करेक्ट? बिल्कुल, नर से मिला हमें नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। ये दोनों जब मिले तो इनका संलयन हुआ। इनका क्या हुआ? संलयन, यानी कि फ्यूशन। संलयन से क्या होता है? संलयन से निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ हमको संतति मिलती है, ठीक है? क्या मिलती है? संतति मिलती है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पी पादप, इनमें क्या? लैंगिक जनन। तो यही वो चीज है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया है और कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है? लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो हमको हिंट देता है चीजें समझने में, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्प की संरचना की। तो जी, पुष्प की संरचना, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ओके? पुष्प की संरचना मतलब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, करेक्ट? अब पुष्प की संरचना आपको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही उसी पे बेस्ड है। अगर एक फूल का स्ट्रक्चर, एक उसकी संरचना को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? क्योंकि एक फूल ही जिम्मेदार होता है नर और मादा के भाग को बियर करने के लिए, ठीक है? चलिए, ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? नर भाग की बात करेंगे, ठीक है? नर भाग मतलब जो मेल पार्ट होता है, ठीक है? हम मेल पार्ट की बात करेंगे कि उसकी संरचना क्या है। फिर बात करेंगे मादा के भाग की। मादा क्या होता है जी? फीमेल, ठीक है? मादा भाग की बात करेंगे। मादा के बाद हम किसकी बात करेंगे? निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है? फर्टिलाइजेशन, ओके? निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन। पूर्व क्या होता है? पूर्व मतलब प्री, प्री मतलब पहले। अब इसको ऐसे समझिए, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं मतलब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो भी संरचनाएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ना, ठीक? ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? परागण पढ़ेंगे, ठीक है? परागण क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन, ठीक है? पॉलिनेशन, ठीक है? पॉलिनेशन में मतलब जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक कैसे पहुंचता है, वो हम यहां पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन, दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन, मतलब निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है? दोहरा मतलब क्या हुआ? दोहरा को हम टू बोल सकते हैं ना, दो। अगर हमारी मैम या मम्मी कहती है कि बेटा इस चीज को दोहरा लो जो पढ़ा है आपने, मतलब दोबारा से पढ़ लो, है ना, दोबारा कर लो, तो मतलब इसको हम कह सकते हैं डबल, ठीक है? डबल यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, ओके? इसके बाद हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, ओके? मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद की जो घटनाएं हैं, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है? अब यहां पर देखिए, निषेचन जब नहीं हुआ था
उससे पहले जो भी घटनाएं थी, संरचनाएं थी, यहाँ पर पढ़ेंगे हम फोर्थ पॉइंट में। फिर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, मतलब परागण। फिर भाई निषेचन भी हो गया, चलो ठीक है, हो गया निषेचन। अब निषेचन जब हुआ है तो उसके बाद कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बना होगा, संरचना तो बनी होगी, कोई तो घटनाएं घटी होंगी। ठीक है, तो सेवेंथ पॉइंट में हम वही पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे असंजनन या एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता यानी या फिर पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सब कुछ यहाँ तक समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम आखिर क्या करने जा रहे हैं। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं पादप जगत की। अब आप कहोगे कि मैडम पादप जगत वो यहाँ क्या कर रहा है? तो भाई पादपों के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन से पादपों के बारे में पढ़ोगे, है ना? तभी तो उसके बारे में पढ़ोगे, जब पता ही नहीं होगा तो पढ़ना क्या है। ठीक है, अब पादप जगत को हम क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम बोलते हैं। इलेवेंथ क्लास में आपने प्लांट किंगडम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब पादप जगत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, या किया गया है। ठीक, अब पहला कौन सा है हमारे पास? अपुष्पविद वर्ग, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये पहला है हमारा। दूसरा कौन सा है? पुष्पविद वर्ग, जिनको हम फिनेरोगैमी क्लास बोलते हैं, ये दूसरा है। अब ये जो अपुष्पविद वर्ग है, ठीक है, तो जी ये अपने आप ही आपको बता रहा है कि भाई मैं ऐसा वर्ग हूं जिसमें फूल नहीं है, मेरे पास आपको फूल नहीं मिलेंगे। क्यों? अपुष्पविद मतलब पुष्प भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो वर्ग है जहां पर फूल आपको नहीं मिलेंगे। करेक्ट, चलिए दूसरे पे आते हैं। अब ये देखिए पुष्पविद, ये कह रहा है जी मेरे पास तो आपको फूल बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो ये वो वर्ग है जहां पर आपको फूल मिल जाएंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपुष्पविद वर्ग जो है, इसको तीन भागों में फिर से डिवाइड कर दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब पहला क्या है जी? थैलोफाइटा। ठीक है, दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा टेरिडोफाइटा। अब ये जो थैलोफाइटा है, इसको फिर से तीन भागों में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। तो पहला है शैवाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं, है ना? अब ये जो शैवाल है, ये आपको कहाँ देखने मिल सकता है आसानी से? एल्गी जो है, जब बारिश होती है तो काई जमती है, वहां देख सकते हैं। नालियों के आसपास जो है हरी हरी संरचना दिखती है, वहां देख सकते हैं, है ना? ठीक है, सेकंड क्या है? कवक। ये हमारा फर्स्ट था, ये क्या है? सेकंड, कवक। कवक को फंगी बोलते हैं, इसको फंगाई भी बोला जाता है। दोनों में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, तो कवक जो है ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? आप आसानी से इसे अपने घरों में देख सकते हैं। कभी कभी टमाटर सड़ते हुए देखे, उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी धूल जैसी जो एक संरचना दिखाई देती है, हा? या फिर रोटी देखिए, रोटी की जब रोटी खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसके ऊपर भी तो एक ऐसी ही काली सी जो है संरचना जम जाती है, काली सफेद सी, वो भी कवक है। फिर ब्रेड जो है, ब्रेड के ऊपर भी आपको देखने मिल जाएगा, है ना? तो वो भी क्या है? वो भी फंगी है। ठीक है, फंगस है। ठीक है, अब जी जो लाइकेन है, ये तीसरा वाला है जी। इंग्लिश में भी लाइकेन है और हिंदी में भी लाइकेन है, ठीक है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे? ब्रायोफाइटा की। ठीक है, अब ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, इनको पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। ठीक है, उभयचर के बारे में आपने एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इनकी क्या विशेषता होती है? इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। इनकी क्या विशेषता होती है? कि ये जो हैं, ये जल प्लस जमीन, ठीक है,
दोनों में बहुत ही आसानी से रह सकते हैं, है ना? यही तो इनकी विशेषता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास टेरिडोफाइटा। तो ये जो टेरिडोफाइटा है, इसको पादप जगत का क्या बोलते हैं हम? सरीसृप। ठीक है, यानी कि रेप्टाइल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस भाग की बात करते हैं। ठीक, अब इस भाग में पुष्पभिद वर्ग जो है, जिसे हम फिनेरोगैमी क्लास बोलते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला कौन सा है? पहला जी हमारे पास आ गया है नग्न बीजी। ठीक है, तो ये जो नग्न बीजी है, ये अपने आप से बता रहा है कि ये जो बीज है वो क्या है? वो नग्न है, नेकेड है। ठीक है, मतलब कि अगर ये बीज है तो इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, ये किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं है। ठीक है, और इन नग्न बीजियों को हम क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। करेक्ट है, बिल्कुल ओके। अब हम बात करते हैं आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में। अब ये जो आवृत बीजी होते हैं, इनका जो बीज है, ठीक है, वो बता रहा है, देखो आवृत बीजी मतलब जो बीज है वो किसी आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक है, यहां पर आवरण मौजूद है, यहां पे क्या था? यहाँ पे आवरण नहीं था, लेकिन यहां पर आवरण मौजूद है ना? ठीक है, तो ये क्या है? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यही वो पौधे हैं जिनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, पुष्पी पादप कौन से? आवृत बीजी। ठीक है, इनमें आपको लैंगिक जनन पढ़ना है। अब ये आवृत बीजी एक बीजी पत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में फिर से विभाजित हो गए हैं। एक बीज पत्री को क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। और द्विबीज पत्री को क्या बोलते हैं? डाइकॉट। ठीक है, ठीक है जी। अब पुष्पी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म लैंगिक प्रजनन को दर्शाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बात करी? इन्हीं के बारे में तो बात करी। ये क्या कर रहे हैं? लैंगिक प्रजनन को दर्शा रहे हैं, जिसमें जो पुष्प है, ये जो पुष्प है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि नर और मादा की संरचनाएं इसी में मौजूद होती हैं। ठीक है, ओके। ऐसे पुष्प में नर और मादा जनन अंग, देखिए नर और मादा जनन अंग होते हैं जो आगे चलकर क्या करते हैं? आगे चलकर नर और मादा युग्मक को बनाते हैं। ठीक है, नर और मादा युग्मक को बना रहे हैं किस लिए? ये नए पौधे बनाने के लिए निषेचन करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे? पुष्प की संरचना यानी कि इस चैप्टर का बेस, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, करेक्ट। अब हम कह सकते हैं कि एक जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो चार चरणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और वो चार चरण किस में आते हैं? वो चार चरण आते हैं सहायक अंग में और आवक्षक अंग या लैंगिक अंग में। ठीक है, इन दोनों में वो चार चरण आते हैं। आप जो सहायक अंग हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एक्सेसरी वर्ल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से आते हैं? इसमें आता है जी बाह, दल, पुंज। ठीक है जी, और दूसरा कौन सा आया? दूसरा आया दल, पुंज। ठीक है, तो दो चरण तो ये हो गए, एक ये और एक ये, दो चरण हो गए। फिर हमारे पास आवश्यक अंग या लैंगिक अंग, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? असेंशियल वर्ल। ठीक है, और इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं पुंज
पुंकेसर, ठीक है, या उमंग, उमंग, ठीक है, उमंग और जायंग, ठीक है, पुमंग और जायांग। अब ये जो पुमंग है ये क्या है? नर जनन अंग है, ठीक है। जायांग क्या है? मादा, मादा जनन अंग है। अब ये चार, एक दो तीन और चार, ये चारों चरण मिलके एक फूल को पूरा करते हैं, ठीक है। और इन दो के हिसाब से इनको बांटा जाता है चारों चरणों में, ठीक है। सहायक अंग को अगर आप देखते हैं तो ये जो सहायक अंग है ये क्या कर रहा है? ये आपको बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना, सहायता कर रहा है। किसकी? फूल की सहायता कर रहा है ना। सहायक मतलब जो हेल्पर होता है, तो ये हेल्प कर रहा है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फूल की मदद करते हैं, ठीक। यहां देखेंगे आप आवश्यक अंग। आवश्यक क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ना, जो जरूरी है हमारे लिए। या लैंगिक अंग। अब लैंगिक क्या होता है? सेक्सुअल, ठीक है। तो ये जो है आवश्यक अंग ये क्या कहलाते हैं? लैंगिक अंग कहलाते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने के, उनमें उनके द्वारा हुए निषेचन के लिए, ठीक है। यही अंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये क्या है अंग? ये जो दोनों अंग है ये कौन है? ये है लैंगिक अंग। ये एक पुष्प के क्या है? लैंगिक अंग है। यहां तक समझे आप? मुझे नहीं लगता कि यहां तक समझने में कोई परेशानी हुई होगी। सब कुछ बहुत आसान था, है ना, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप खूब सारे फूलों के बारे में इमेजिनेशन कीजिए। सोचिए अलग अलग तरीके के खूबसूरत फूल। अगर एक गुलाब के फूल की बात करें तो उसकी सुंदरता अपनी अलग होती है ना। कमल के फूल की अलग सुंदरता है, लिली के फूल की अलग है, चमेली अलग है ना, वही ऑर्किड अलग होता है। और भी बहुत खूबसूरत से फूल हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम बात एक प्रयोगशाला में जाकर उन्हें देखने की करते हैं, उन पर प्रैक्टिकल की करते हैं, तो वो कौन सा फूल है जो हम चुनना पसंद करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, है ना। पर क्यों? क्योंकि उस फूल में जो जटिलता होती है फूलों की वो दिखाई नहीं देती है। बहुत ही सरल तरीके का फूल है वो। उसकी हर एक पंखुड़ी को आप आराम से अलग करके देख सकते हैं, है ना, ठीक है। यहां आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब मैं प्रैक्टिकल के लिए अपने क्लास में जा रही थी, ठीक है, तो मेरे टीचर ने मुझसे बोला कि ठीक है बेटा, बताओ अगर मैं आपको एक फूल देता हूं तो इस फूल की व्याख्या कैसे करोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये एक फूल है। तो हमने क्या बोला? हम जनरली कैसे बोलते हैं कि ठीक है सर, ये इसके पेटल हैं, ये सेपल है, ठीक है, ये एंथर है, इस तरीके से बोला। लेकिन सर ने बोला बेटा रुको, इतनी बेकदरी से इस फूल को डिफाइन मत करो, इसको मत समझाओ, बहुत ही सुंदर सी चीज है, थोड़ा प्यार से समझाओ इसको कि ये है क्या। तो चलिए इसको समझते हैं हम एक डायग्राम की मदद से, ठीक है, ठीक है। तो हम समझेंगे अगली, इसको एक डायग्राम की मदद से हम बनाते हैं एक फूल। तो अगर हम एक फूल की बात करें तो फूल की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, देखा है आपने, है ना। ये जो हिस्सा होता है फूल का वो किससे? उसकी जो फूल की जो डंडी है उससे जुड़ा हुआ होता है, फूल पेड़ से जुड़ा हुआ होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम? पुष्प अक्ष, है ना, पुष्प अक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडिकल, ठीक है, पेडिकल बोलते हैं। फिर यहां पे ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पुंकेसर,
आसन, पुष्प आसन, ठीक है, यानी पुष्पासन। अब ये अपने आप ही आपको बता रहा है कि भाई मैं फूल का आसन हूं, फूल मेरे ऊपर विराजता है, बैठा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलेमस, ठीक है। हम कहते हैं ना कि भाई राजा की गद्दी है, राजा का आसन है, वैसे ही ये जो पुष्पासन है ये क्या है, एक पुष्प का आसन है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर एक इस तरीके की संरचना को जरूर देखा होगा फूल में, है ना, देखा है नहीं देखा है, बताइए। इस तरीके की संरचना क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है बाह्य दल, ठीक है। क्या कहलाएगी, ये बाह्य दल कहलाएगी, ठीक है। अगर ये एक है, संख्या में एक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाह्य दल बोलेंगे, और अगर ये एक से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाह्य दल पुंज बोलेंगे, ठीक है। इसमें पुंज लग जाएगा, ठीक है, जिसको बाह्य दल को क्या बोलेंगे हम, सेपल, ठीक, और पुंज को क्या बोलेंगे हम, कैलेक्स। बाह्य दल पुंज को क्या बोलेंगे हम, कैलेक्स, ठीक है। अभी समझ में आया आपको, ठीक है। इसके बाद चलिए यहां लिख देती हूं कि अगर एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा कौन, ये, ठीक है, बाह्य दल। एक से ज्यादा है तो इनको क्या करेंगे हम, बाह्य दल पुंज, ठीक है, मतलब कैलिक्स, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं हम इस फूल के सबसे सुंदर पार्ट की, सबसे सुंदर अंग की, जो हमें क्या, कीटों यानी इंसेक्ट्स को और पक्षियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम इन्हीं को देख के तो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। कौन से है वो बताइए। जी हाँ, ये है वो पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये, इसको बोलते हैं दल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं हम दल, यानी कि पेटल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पेटल, पेटल यानी कि दल। अब अगर ये संख्या में एक है तो इसको क्या बोलेंगे हम, दल बोलेंगे, और अगर ये संख्या में दो है तो इनको क्या बोलेंगे हम, दल पुंज, ठीक है। संख्या में दो है, चार है, मतलब एक से ज्यादा है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, दल पुंज, जब ये समूह में मौजूद होगा, ठीक है, यानी कोरोला। अभी समझ में आ रहा है सब कुछ, ओके। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इस तरीके से आपने तंतुनुमा स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसी संरचना फूल में, देखिए, ठीक है। ये क्या है जी, ये कहलाता है आपका पुंकेसर, ठीक है। क्या कहलाया, पुंकेसर या फिर स्टेमेन, ठीक। और अगर ये स्टेमेन, ये पुंकेसर संख्या में एक से ज्यादा है तो इनका समूह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पुमंग, ठीक है, यानी कि अंडरिशियम। और ये नर जननांग है एक पुष्प का, ठीक है, नर का मेल पार्ट है ये, ठीक है, नर मेल पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से देखा होगा आपने, जो फूल में मौजूद होता है, ठीक है, इस तरीके से देखा होगा आपने, ये क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये स्त्री केसर है, स्त्री
केसर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पिस्टल, ठीक है, क्या बोला इसको हमने, पिस्टल बोला। अब किसी फूल में ये एक भी हो सकता है, किसी में दो, किसी में चार, इस तरीके से हो सकते हैं। अगर ये समूह में मौजूद है तो इसको क्या बोलेंगे हम, तब बोलेंगे इसे जायांग, ठीक है, जायांग यानी गाइनेशियम, ठीक है। अभी ये फूल को देखिए और समझिए कि एक एक जो इसका पार्ट है वो क्लियर है आपको, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि जो हमने चार चरणों की बात करी थी वो क्या थे। सबसे पहला चरण हमारा क्या था, पहला था बाह्य दल पुंज, ठीक है, जो सहायक चक्र है। ये क्या करता है, देखिए ये एक फूल की मदद कर रहा है ना, ठीक है, उसका जो शेप है ना, उसकी शेप को बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से होल्ड करा हुआ है ना, इस तरीके से होल्ड करा हुआ है इसको, कि बिल्कुल भी जो इसका शेप है वो खराब नहीं होना चाहिए, इसकी संरचना बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला चक्र क्या है हमारा, पहला सहायक चक्र, जिसमें पहला है हमारा बाह्य दल पुंज और दूसरा क्या है, दल पुंज, ठीक है। अब ये जो दल पुंज होता है ये सबसे आकर्षक अंग होता है एक फूल का। इनका लैंगिक जनन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार जरूर होता है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो वो ऐसे कि ये जो कलरफुल पत्तियां हैं, रंगीन पत्तियां हैं, ये क्या करती हैं, ये कीटो यानी इंसेक्ट्स को, पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अब वो जब अट्रैक्ट होके यहाँ आएंगे, पक्षी आए या जो कीट आए, ठीक है, वो आएंगे, वो क्या करेंगे, तो यहाँ बैठेंगे, जो इसका नेक्टर होता है, जो इसका रस होता है, उसको चूसेंगे, है ना। मधुमक्खियां क्या करती है, यही तो करती है, फिर जाके उसे क्या करती है, अपने छत्ते में जाती है, वहां जमा कर देती है, और कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, शहद में बदल जाता है, ठीक है। तो जो मधुमक्खियां हैं वो किस वजह से आई, इन्हीं पत्तियों को देख के आई भाई, इन्होंने, ये पत्तियों ने मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और यही वो पत्तियां हैं जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, किसके लिए, परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, जो हम आगे चल के इस चैप्टर में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दोनों क्या है, हमारे सहायक चक्र है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने आवश्यक अंगों के बारे में, लैंगिक अंगों के बारे में, कौन से हैं वो, तो जी तीसरा हो गया हमारा पुंकेसर, ठीक है, पुमंग, तीसरा क्या हो गया, पुमंग, ठीक है, पुमंग कहाँ है जी, पुमंग ये रहा, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया पुमंग। अब ये पुमंग क्या है, ये है एक नर भाग, ठीक है, पुमंग क्या है, नर भाग है ये, ठीक, यहीं पे नर युग्मक बनते हैं पुमंग में, ठीक है। और फिर आता है हमारा जायांग, जो कि इसका चौथा चरण है, ठीक है, जायांग। अब जायांग ये क्या है, ये मादा जननांग अंग है, यहां पर क्या होता है, मादा युग्मक बनते हैं, और पुमंग से, ठीक है, वहां से नर युग्मक जो होते हैं वो यहीं पर आते हैं निषेचन के लिए, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्टिक्राग, यहां पे ही जो पुमंग से नर युग्मक है यहीं पर आते हैं, फिर यहां से अंदर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल से ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वरना डाउट नट है ना, टेंशन की यह बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरे वाह, देखिए कितना खूबसूरत फूल है ना। तो सोचिए जब इस फूल ने हमारी आंखों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो भाई कीटों को और पक्षियों को ये कैसे छोड़ देगा, है ना, बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए ये गुड़हल का फूल है ना। आप इस गुड़हल के फूल को अगर हम काट देते हैं इस तरीके से, तो देखिए इसकी संरचना हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है, आ रही है ना। अगर नहीं आ रही है तो चलिए एक और स्लाइड में देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर आप बिल्कुल क्लियरली सारे पार्ट्स को देख सकते हो एक फूल के, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि गुड़हल का फूल जो होता है
वो सबसे इजी होता है उसके सारे पार्ट्स को अलग करके प्रैक्टिकल करने के लिए। देखिए इनमें सारे पार्ट जो है अलग हो गए हैं ना, करेक्ट है? सब पार्ट्स अलग करके आप कितनी आसानी से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये दल है ना। फिर ये क्या आ गया, ये देखिए क्या है, ये बताइए, पुंकेसर है ना। यहाँ पुंकेसर आ गया है, यहाँ पे स्त्री केसर है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया, अंडाशय आ गया यानी ओवरी आ गई है ना। और यहाँ पे क्या है, कैलेक्स है, कोरोला है, सब कुछ यहाँ आसानी से देख सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरती से इन सारी चीजों को यहाँ दिखाया है, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम पुष्प की नर जननांग संरचना के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अभी हमने फूल की पूरी एक संरचना को देखा देखा था, एक एक पार्ट बड़ी खूबसूरती से वहां पे बनाने की कोशिश करी थी आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब वहां पर आपने देखा था पुंकेसर को। पुंकेसर को देखा था, पुंकेसर क्या है, ये है पुंकेसर, ठीक है। इन सारे पुंकेसरों के बीच में क्या है, स्त्री केसर है ना। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ दिखाया हुआ है, ये सारे पुंकेसरों के बीच में क्या है, ये स्त्री केसर है। पुंकेसर क्या है, नर भाग होता है, ये क्या है, नर भाग है ना। और ये क्या है, मादा भाग है, ठीक है। अगर इस एक पुंकेसर को उठा के मैं देखती हूं तो हमें ये कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, चलिए देखते हैं। यहां से हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। ये एक तंतुनुमा धागे जैसी एक संरचना है, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है, बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा नर जननांग अंग है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पुमंग बोलते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल। आप ये तीन भागों से मिलके बना हुआ होता है, तीन भाग कौन कौन से होते हैं, तीन भाग भाई। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये तंतुनुमा धागे जैसी संरचना है, ठीक है, तंतु, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, तंतु, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम फिलामेंट, करेक्ट, बिल्कुल। दूसरा भाग कौन सा हुआ, ये हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, पराग कोश, ठीक है, पराग कोश, जिसको हम क्या कहेंगे, एंथर, ठीक है। और तीसरा भाग कौन सा है, तीसरा भाग ये वाला भाग होता है, ठीक है, जिससे ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम योजी भी कहते हैं, ठीक, और संयोजी भी कहते हैं, मतलब कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना एक दूसरे से, है ना, इसीलिए, ठीक है। इसे समझने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं आई होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन भाग। अब अगर मैं कहूं कि हम यहां पर इसका अनुप्रस्थ काट करते हैं, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट करते हैं हम, अगर इसको यहां से ऐसे काट के देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखाई देगा। तो चलिए इसको यहां पर बनाकर देखते हैं, ये हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। हाँ खराब बन गया वैसे तो, ये फिर से बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है, इसमें अंदर की तरफ यहां पर इस तरीके से चार संरचनाएं आपको नजर आएंगी, करेक्ट है, बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरीके से यहां पर ऐसे होता है, ये संरचना आपको इस प्रकार नजर आती है, ठीक। अब ये क्या होता है,
ये दो पालियों में विभाजित होता है इस तरीके से। ये देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से काट देते हैं तो ये दो पालियों में विभाजित होता है। करेक्ट है बिल्कुल। कौन सी पाली? एक पाली और ये दो पाली हो गई। ठीक है, अब ये जो भाग होता है इसका दो पालियों से मिलकर बना हुआ होता है। एक पाली ये वाली और एक पाली ये वाली, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। ठीक है, एक ये वाला कोष्ठक हो गया कोष्ठ, ठीक है, क्या हो गया कोष्ठ, और एक ये वाला कोष्ठ। करेक्ट है बिल्कुल। और इन कोष्ठ को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, यानी यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो एक कोष्ठक ये है, एक कोष्ठक ये है, तो एक पाली में क्या हुए? दो कोष्ठक हुए। बिल्कुल इसी तरीके से इस दूसरी पाली में एक कोष्ठ ये है कोष्ठ, और दूसरा कोष्ठ ये रहा। ठीक है, अब ये जो लघु बीजाणु होती है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये सभी क्या कहलाएंगी? लघु बीजाणु धानी, ये सभी। ठीक, क्या कहलाए? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और इन लघु बीजाणु धानी में क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये देखिए, ये एक पाली ये रही, एक पाली ये रही। ठीक है, अब इन दो पालियों में क्या है? एक पाली में दो कोष्ठ है, एक पाली में दो कोष्ठ है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर हमारा क्या होता है? लघु बीजाणु धानी, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? या फिर परागण। ठीक है, परागण क्या बोलेंगे? परागण। ठीक है, यानी कि पोलन सैक, पोलन सैक। अब ये क्या होते हैं पोलन सैक? ये होते हैं, क्या हुए? ये पुष्प के नर युग्मक। ठीक है, ये क्या हुए? पुष्प के नर युग्मक हुए। और खास बात ये कि इसमें दो पालियां होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? द्विपालित भी बोलते हैं। ठीक है, डायथेकस, द्विपालित बोलते हैं। ठीक, तो ये था हमारा नर जनन अंग, किसका? एक पुष्प का। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसको आगे चल के चैप्टर में हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम और डीप में जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम ये देखिए, ये आपके बुक में इस तरीके से एक पुंकेसर का, एक पोमंग का जो है, इस तरीके से एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर इस तरीके से बुक में बनाया हुआ है। यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट दिखाया हुआ है, देखिए कि किस तरीके से यहां से इसको काटा है। ठीक है, यहां से इसको काटा है। ठीक, तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है? कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी, इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे ही था, ये दो पाली ये रही, दो पाली ये रही, ये जो है कोष्ठ। ठीक है ना, एक पाली ये रही और एक पाली ये रही, ये क्या थे हमारे? कोष्ठ थे ये हमारे, है ना। और इनको क्या कहा हमने? लघु बीजाणु धानी, है ना। और इनके अंदर क्या है? इसके अंदर ये पराग कोश है। ठीक है, यही बताया था। चलिए ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं पुष्प की मादा जननांग संरचना के बारे में। ठीक, अब ये जो मादा संरचना होती है ये मुख्यतः तीन भागों में विभाजित होती है। पहला हो गया हमारा वर्तिकराग। ठीक, पहला क्या हो गया? वर्तिकराग, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, वर्तिकराग को हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा।
ठीक है। अब देखो इसके नाम को समझो आप, स्टिग्मा, ये पहला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। स्टिग्मा मतलब कि जो स्टिक कर रहा है, जो चिपक जाता है। अगर ये हिस्सा यहाँ पे चिपचिपा नहीं होगा तो जो इसके ऊपर पराग के कण आके यहाँ पर नर युग्मक बैठेंगे, हवा आएगी, अगर ये हिस्सा चिपचिपा नहीं होगा वो इतने हल्के होते हैं कि उड़ जाएंगे। अगर वो उड़ गए तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी, है ना? तो इसीलिए इसका चिपचिपा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी कुछ इसी तरीके से रखा गया है, स्टिग्मा। ठीक, दूसरा कौन सा भाग है हमारा? वर्टिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ये देखिए, ये जो इतना लंबा सा है ना, जो वर्टिका को इस अंडाशय से जोड़ रहा है, इस लंबे से भाग को क्या बोलेंगे? वर्टिका यानी स्टाइल। उसके बाद तीसरा जो पार्ट आता है वो हमारा है अंडाशय, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी, ठीक है, इसको हमने बोला ओवरी, अंडाशय को। यहां पे क्या होता है अंडाशय में? यहां पर अंदर बीजांड होता है, बीज होता है, ठीक है। तीसरा मेन पार्ट ये हुआ। उसके बाद ये जो अंडाशय है, ठीक है, ये आगे चल के क्या होता है? फल में विकसित हो जाता है, बदल जाता है, करेक्ट, बिल्कुल। अब इसके अंदर, इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? यहीं पर मादा युग्मक होता है, इसी बीजांड में, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, इतने आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा कि हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यहां से शुरुआत करी थी हमने, ठीक। उसके बाद हमने एक पुष्प की संरचना को देखा, जहां पर उसको चार चरणों में विभाजित किया गया था, ठीक है। उन चार चरणों के बारे में हमने पढ़ा, जहां पर सहायक अंग और आवश्यक अंग या लैंगिक अंग थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने नर जननांग अंग के बारे में पढ़ा, जो कौन था? पुंकेसर था, ठीक है। अब पुंकेसर तीन भागों में विभाजित होता है, हमने ये भी पढ़ा, ठीक है। पार्ट तो पुंकेसर के दो होते हैं, ठीक, लेकिन संयोजी या योजी वहां पर होता है, इसलिए इसको तीन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा मादा जननांग अंग के बारे में, ठीक है, जो ये है, ठीक। अब यहां तक हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि एक पुष्प की संरचना कैसी होती है और उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर अपने, किसकी बात करेंगे हम? ये कौन सी संरचना थी बताइए? जी हाँ, ये नर भाग है। अब हम नर नर जनन अंगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा पुष्प नर जनन अंग, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे? इसका अनुप्रस्थ काट देखेंगे हम। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक तंतुनुमा धागे जैसी संरचना थी, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? तंतु बोला। इसको क्या बोला हमने? इसको बोला हमने पराग कोश, पराग कोश, ठीक है। अब ये जो पराग कोश है, इसको मैं अगर यहां से ऐसे काट देती हूँ, ठीक है, यही तो इसका अनुप्रस्थ काट हुआ, ठीक। अगर मैं इसको यहां पे ऐसे काटती हूँ तो हमको कैसा दिखाई देगा? ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा हमको, राइट भाई। ये एक क्या है? पराग कोश है। इसको मैं यहां से अगर काटूंगी, ऐसे देखूंगी, काटने के बाद ऐसे देखूंगी तो ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। यहां क्या है? यहां क्या है? ये देखिए, ये इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। ये दो पालियों में विभाजित होता है, एक पाली ये हो गई, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, दूसरी पाली ये हो गई, ये वाला पूरा पोर्शन। यहां तक समझ में आया? कोई परेशानी नहीं ना? चलिए ठीक है। अब ये जो दो पाली होती हैं, इस दो पाली में क्या होता है? एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है,
एक पाली में क्या हुए? दो कोष्ठ हुए, यानी कि दो पालियों में कितने होंगे? दो पाली में कितने होंगे? दो पाली में चार कोष्ठ होंगे। ठीक है, इन कोष्ठ को अब क्या कहा जाता है? ये जो कोष्ठ होते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लघु बीजाणु, लघु लघु बीजाणु धानी। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणु धानी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। यानी कि दो पाली में, एक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, तो दो पाली में चार कोष्ठ हो गए, और इन कोष्ठों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु धानी। यहां तक क्लियर है? अब हम यहां पे इससे आगे क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में कि आखिर ये जो संरचना है, मतलब जो परागकण है, ठीक है, जो परागकण है उनकी संरचना के बारे में, और जो नर युग्मक होते हैं वो कैसे बनते हैं। इसका मतलब कि ये जो सारी घटनाएं हैं, संरचनाएं हैं, वो क्या हैं? निषेचन पूर्व है ना? अभी निषेचन नहीं हुआ है क्योंकि, और हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकी संरचनाओं को पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं और संरचनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, ये हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर किसका? एक परागकण का। ठीक है, पराकोष का। इस तरीके से देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये चार कोष्ठ मौजूद होते हैं दो पालियों में। ये इस तरीके से विभाजित होती है। करेक्ट, ऐसे ही होती है। ओके, एक पाली में क्या है? दो कोष्ठ हैं। दो पाली में चार कोष्ठ हैं, और इन कोष्ठों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु धानी, है ना? अब ये जो लघु बीजाणु धानी होती हैं, लघु बीजाणु धानी जो है ये, ठीक है, इसमें क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं का नाम है बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका, या फिर जिनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस बीजाणु जनन ऊतक, ऊतक। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। करेक्ट, बिल्कुल। ये जो लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद होती हैं, और जिन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? जी, हम इनको बोलते हैं बीजाणु जनन ऊतक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, अब ये जो बीजाणु जनन ऊतक होते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये निर्माण करते हैं किसका? ये निर्माण करते हैं लघु बीजाणु का। ठीक है, किसका निर्माण किया इन्होंने? लघु बीजाणु का। कब? जब यहां पर क्या हुआ? अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तब यहां पर ये जो बीजाणु जनन ऊतक थे, इन्होंने लघु बीजाणु का निर्माण किया। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर ये जो लघु बीजाणु था, ठीक है, ये जो लघु बीजाणु था ये यहाँ पर बन गया है ना। अब ये जो लघु बीजाणु है इसको नरिशमेंट की जरूरत होगी है ना, परिपक्व होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, करेक्ट? ऐसा ही होगा। तो उसके लिए इसे किसकी जरूरत होगी? नरिशमेंट की जरूरत है, ठीक है, पोषण की जरूरत है। तो किस चीज से इसको वो पोषण मिलेगा? तो जी इसको वो पोषण किससे मिलेगा? भोजन से मिलेगा है ना, भोजन से मिलेगा। भाई अगर हमारे शरीर को नरिशमेंट चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है सारे काम करने के लिए, तो वो पोषण हमें कहां से मिलता है? बाहर से मिलता है, खाने से मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से इस लघु बीजाणु को पोषण कहां से मिल रहा है? इसको पोषण मिलेगा जो लघु बीजाणु होता है ना इसकी सबसे बाहरी परत से, ठीक है, इसकी बाहरी परत से, इससे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलेंगे हम टेपिटम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? टेपिटम बोलेंगे, ठीक। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो कोशिका होती हैं वो पोषण से भरपूर होती हैं, बहुत सारा पोषण होता है इसकी कोशिका में, ठीक है। और जो इसकी कोशिका होती हैं वो द्विकेंद्रक भी होती हैं, ठीक है। यहां तक सबको आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? अरे भाई अगर डाउट है तो डाउट नट है ना, डाउट नट करिए, सीखिए यहां से, ठीक है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां जी टेपिटम आ गया हमारा, ठीक। अब इस टेपिटम के बाद क्या होता है? इसके बाद यहां जो सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, ये परत जो होती है ना ये पूरे स्ट्रक्चर में ऐसे ही है। इस स्ट्रक्चर को ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो या तीन नंबर में आता ही आता है। और दूसरा ये जो क्वेश्चन है टेपिटम वाला कि ये जो लघु बीजाणु होता है इसको पोषण कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो कहाँ से मिलता है फटाफट कमेंट में बताइए कि कहाँ से मिला इसको पोषण, मैंने अभी बताया था बिल्कुल। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो संरचना है ये पूरे स्ट्रक्चर में मिलेगी आपको, सबसे बाहर की परत है, ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर में इसी तरीके से आपको दिखाई देगी। यहां भी मैं सिर्फ एक ही बना के दिखा रही हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो, करेक्ट, बिल्कुल। तो ये पूरे स्ट्रक्चर में आपको ऐसे ही मिलेगी। और ये जो सबसे बाहरी परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य परत, ठीक है, बाह्य परत, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, ये सबसे बाहर की परत हो गई। इसके बाद कौन सी परत आती है? इसके बाद हमारी परत आती है कौन सी? दूसरी परत आती है, ठीक है। इसके बाद हमारी ये इस तरीके से दूसरी परत आ गई, ये देखिए, ये भी पूरी संरचना में इसी तरीके से, पूरे स्ट्रक्चर में इसी तरीके से आपको नजर आएगी, ठीक है। ये जो सेकंड लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो सेकंड लेयर है इसका नाम क्या है? अंतःस्थीसियम, ठीक है, अंतःस्थीसियम, जिसको क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम बोलते हैं, करेक्ट, बिल्कुल। यहां तक कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी तीसरी लेयर, ये भी इसी तरीके से आपको नजर आएगी, ठीक है, ये भी इसी तरीके से नजर आएगी आपको पूरे स्ट्रक्चर में, इसी तरीके से बनी हुई, ठीक है। अब ये जो तीसरी लेयर है इसको क्या बोलोगे आप? ये जो तीसरी लेयर है
इसको क्या बोलेंगे हम? मध्य परत, ठीक है, यानी कि मिडिल लेयर, करेक्ट, बिल्कुल। और इसके बाद हमारी टेपिटम तो है ही, ठीक है, ये रहा टेपिटम। तो इसका मतलब ये जो लघु बीजाणु धानी होता है ये चार परतों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी? जी पहली हो गई हमारी बाह्य परत, दूसरी हो गई अंतःस्थीसियम, तीसरी मध्य परत, और चौथी कौन सी है जी? टेपिटम। ये चार परत हो गई, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, यहां पर ये लघु बीजाणु धानी बन गई, ठीक है, ये परिपक्व भी हो गए, उसके लिए इन्होंने नरिशमेंट भी ले लिया, लेकिन ये इससे बाहर कैसे निकलेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि भाई ये भी बन गए, इनको नरिशमेंट भी मिल गया है, ठीक है, इनको पोषण मिल गया है। अब पोषण मिलने के बाद ये परिपक्व भी हो गए हैं, ठीक है, मतलब मैच्योर हो गए हैं, तो ये इससे बाहर कैसे आएंगे? तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको यहां से जो प्रस्फुटन होता है, मतलब ये जो है यहां से इसकी जो स्किन है, इसको फटने में, त्वचा को फटने में टाइम लगता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। ये एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो परागकण है, ठीक है, ये जो परागकण है ये क्या होंगे? मैच्योर होंगे, है ना, मैच्योर हो गए, ये यहाँ पे चलो मैच्योर हो गए। अब इसकी जो बाहरी लेयर है, ये जो बाहरी लेयर है, ये एक टाइम के बाद क्या होगी? सूखनी शुरू हो जाती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा ये जो लेयर्स हैं ये सूखनी शुरू हो जाएंगी। भाई सूखेंगी तभी तो ये यहां से फट जाएंगी, और फटेंगी तो ये बाहर निकलेंगे, है ना। क्योंकि आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत टफ लेयर्स थी तो ये बाहर कैसे निकलेंगे, तभी तो मैंने बताया कि ये टफ लेयर जो होती हैं एक टाइम के बाद ये भी वृद्धावस्था में आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम इंसान होते हैं ना, कि धीरे धीरे हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो इसकी लेयर्स होती हैं ये भी धीरे 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 एक एज में आने लग जाती हैं, और जब वो उस एज में आती हैं तो इसमें क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये फट जाती है। जब ये फट जाती है तो ये जो परागकण होते हैं ये बाहर निकल आते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि लघु बीजाणु धानी में जो चार परतें होती हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो भाई लघु बीजाणु धानी में चार परतों के कार्य, ठीक है, चलो ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से, ओके। कैसा था ये स्ट्रक्चर? ये ऐसा था ना, है ना। अब इसका मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन यहां बना रही हूं, करेक्ट, सिर्फ ये वाला पोर्शन यहां बना के दिखा रही हूं एक एग्जाम्पल के लिए। हमने क्या बात करी थी कि हमारी सबसे बाहरी परत क्या होती है? बाह्य परत, जिसको हम क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इपिडर्मिस होती है सबसे बाहर की परत हो गई है हमारी, ठीक है। ये जो बाहर की परत होती है इसका क्या काम होता है? चलिए इसका एग्जाम्पल हम अपने आप से जोड़ के देखते हैं कि जो हमारे सबसे बाहर की परत है, हमारी त्वचा है, स्किन है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? बाह्य परत कहलाती है, ठीक है, यानी इपिडर्मिस। और इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है हमारी सुरक्षा करना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो बाह्य परत है, ये जो बाह्य परत, ये जो बाह्य परत है ये क्या काम करती है? ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये यहां पे भी सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। ये सबसे बाहर की परत होती है, बाहर की परत होती है और ये सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि हमारी स्किन, हमारी त्वचा हमारी सुरक्षा करती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी
दूसरी परत की जो है अंतःस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम, ठीक है एंडोथीसियम। चलिए इसको बनाते हैं यहां पे। अब ये जो एंडोथीसियम है ये क्या है, ये जो एंडोथीसियम है ये बाह्य परत की निचली परत है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अंतःस्थीसियम है ये दूसरे नंबर की परत है, क्योंकि पहले नंबर पे तो बाह्य परत आती है, ये दूसरे नंबर की परत है। ठीक है ये क्या है अंतःस्थीसियम, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कि ये जो है ये बाह्य परत के नीचे की परत है, ठीक है ये बाह्य परत के नीचे की परत है। यहां पे देखिए फिर इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्तरीय है ना, ये एक स्तरीय परत है, एक ही तो है, एक ही लेयर तो है ना इसकी, तो ये एक स्तरीय है। और इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें अल्फा सेल्यूलोज के रेशे पाए जाते हैं, ठीक है इस परत में अल्फा सेल्यूलोज के रेशे पाए जाते हैं, करेक्ट। और इसका काम भी क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ये भी सुरक्षा प्रदान करती है बाह्य परत की तरह, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी तीसरी परत की जो है मध्य परत यानी मिडिल लेयर, ठीक है कौन सी हुई मिडिल लेयर, करेक्ट। अब ये जो मिडिल लेयर है चलिए इसको बनाते हैं। इस मिडिल लेयर का काम क्या है बताइए, ये भी पूरे इसी तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगी, ठीक है ये क्या है ये अंतःस्थीसियम के नीचे की परत है और टेपिटम से ऊपर, ठीक है टेपिटम और अंतःस्थीसियम के बीच में ये मध्य परत पाई जाती है, ठीक। अब ये जो मध्य परत है इसका क्या काम है, इसका काम है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बनाए रखता, ठीक है ये क्या करती है ह्यूमिडिटी को बनाए रखती है और इसके साथ साथ ये सुरक्षा भी प्रदान करती है, ठीक है ये एक से तीन स्तरीय होती है, एक से तीन स्तरीय, एक से तीन स्तरीय होती है, ठीक है यहां तक समझ में आया आप सभी को, एक से तीन स्तरीय होती है, करेक्ट बिल्कुल ओके जी। अब चौथी लेयर कौन सी आती है हमारे पास, अब जी चौथी लेयर हमारे पास आ गई है कौन सी बताइए, टेपिटम, जिसके बारे में हमने अभी कुछ सेकंड्स पहले बात करी थी कि टेपिटम और अंतःस्थीसियम के बीच में मध्य परत पाई जाती है, राइट ठीक है। अभी जो टेपिटम होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है इंपॉर्टेंट तो ये सभी परतें हैं लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो परत है जहां पर पोषण, ठीक है जहां पर इसकी कोशिकाओं में पोषण पाया जाता है, यहां पोषण युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, वरना डाउट नट कीजिए यहां आइए और सीखिए, ठीक है। तो ये हमारे लघु बीजाणुधानी में चार परतें थी, ठीक है यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा ओके। तो मैं फिर से बता देती हूं
कि सबसे बाहर की परत एपिडर्मिस कहलाती है, फिर उससे अंदर की कौन सी होती है, एंडोथीसियम यानी कि अंतर्थीसियम, ये बाह्य परत, फिर आती है अपनी मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत, फिर आता है टेपिटम। करेक्ट, बिल्कुल, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, मतलब हम समझ चुके हैं कि लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। अरे, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं युग्मक जनन की, ठीक है? तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। ठीक, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, ये क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस है ये? तो हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या हो रहा है, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया ठीक है, क्या हो रहा है, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, इसको क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। करेक्ट है, चलिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल मतलब डायग्राम की मदद से, ठीक है? तो यहां पर आप जानते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऐसा ही होता है। अब इसका सिर्फ एक पोर्शन लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लेते हैं जी, हमने ये ले लिया। अब ये इस तरीके से ये वाला हो गया, ठीक है, अब ये इस तरीके से हो गया। अब यहां पर ये इस तरीके से, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये लघु बीजाणु धानी है ना, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लघु बीजाणु ऊतक, यहां पर लघु बीजाणु ऊतक मौजूद होता है, ठीक है, इसके अंदर लघु बीजाणु ऊतक मौजूद होता है। करेक्ट, बिल्कुल, हमने अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था, है ना। अब यहां पर इस लघु बीजाणु धानी में, इसको क्या बोलते हैं, एक कोष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो लघु बीजाणु धानी की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं, ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणु धानी की जो कोशिकाएं होती हैं, तो यहां पर क्या होता है, इन कोशिकाओं में ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है, यहां पाया जाता है पराग मात्र कोशिका, ठीक है, यहां पे पाया जाता है पराग मात्र, ये होती है पराग मात्र कोशिका। करेक्ट, बिल्कुल, इसको फिर से एक बार ठीक से बना लेते हैं, पराग मात्र कोशिका, ठीक है, इसके अंदर। करेक्ट, बिल्कुल, ये क्या थी हमारी, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, लघु बीजाणु जनन ऊतक ठीक है। अब यहां पर जो इसकी लघु बीजाणु धानी की कोशिकाएं हैं, इनके अंदर क्या मौजूद होता है, परागमात्र कोशिका मौजूद होता है, ठीक है। अब जब यहां पर जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है,
अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो यहां पर क्या बनेंगी हमारे पास, चार लघु बीजाणु का यहां पर निर्माण होगा। क्या होगा यहां पर, चार लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि ये जो लघु बीजाणु है, ठीक है, यहां पर अभी तक नर युग्मक का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें अभी समय लगेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, परागकण का निर्माण होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास परागकण का निर्माण होगा, पराग परागकण का निर्माण होगा यहां पे। ओके, पराग कण का निर्माण होगा। पराग कण मतलब पॉलन ग्रेन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, पराग कण का निर्माण हो रहा है, यहां पर नर युग्मक का निर्माण होगा इसके बाद। ठीक है, जब ये परिपक्व हो जाएगा, कहां पर, मादा के शरीर पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, पराग कण का निर्माण हो गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई डाउट है किसी को, मैं पहले भी कहती हूं कि डाउट है तो डाउट नेट कीजिए। ठीक है, ओके, एक बार इसको फिर से समझते हैं। ये हमारे पास क्या था, अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, यहां पर हमने इस एक पोर्शन को लिया है। ठीक है, ये है, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक कोष्ठ भी कहेंगे। देखिए, एक कोष्ठ, दो, तीन और चार। ठीक है, हम एक की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक, तो इसको हम एक कोष्ठ भी कहते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल। ठीक है, अब इस लघु बीजाणुधानी में हमने क्या बात करी थी कि यहां पर क्या होता है, लघु बीजाणु जनन उतक होता है ना। ठीक है, अब यहां जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, यहां पर इन कोशिकाओं में क्या होता है, पराग मात्र कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर की कोशिकाओं में क्या पाई जाती हैं, पराग मात्र कोशिका, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। ठीक है, पराग मात्र कोशिका मतलब पॉलन मदर सेल, इसकी कोशिकाओं में क्या पाई जाती हैं, पॉलन मदर सेल पाई जाती हैं, करेक्ट है, बिल्कुल, ओके। अब जब यहां पर इस वाले पराग मात्र कोशिकाओं में यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, यहां पर चार लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद इनसे क्या बनेगा, पराग कण बनेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पराग कण है, ठीक है, ये जो पराग मात्र कोशिका है, ठीक है, ये कहां से आती है, इनका तो कोई रोल ही नहीं था अभी तक, अचानक से ये इसकी कोशिकाओं में पराग मात्र कोशिका हमको दिख गई, कहां से आती है ये कोशिका, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां से आती है कोशिका। और हम बात करेंगे इसके साथ साथ लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसे बनती है। ठीक है, तो ठीक है, इसको समझने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर एक और डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, अब यहां पर आप सबको पता है कि इसका अनुप्रस्थ काट इस तरीके से होता है ना, करेक्ट, बिल्कुल, ये हमारा क्या हो गया, स्टेप वन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इस वाले पोर्शन को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक, यहां पे लेते हैं। ठीक है, हमने ये यहां पर ले लिया, अच्छा नहीं बना, फिर से बनाते हैं। ठीक है, यहां पर ये हमने इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है,
बीजाणु जनन उतक, ठीक है। ये जो बीजाणु जनन उतक होता है, इस तरीके से देखिए, ये ऐसे संरचना होती है। इस बीजाणु जनन उतक के अंदर एक तरीके की कोशिका पाई जाती है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। उस कोशिका का क्या नाम है बताइए जल्दी से, उस कोशिका का क्या नाम है? ये जो कोशिका यहाँ पे हमको मिल रही है, इसका नाम क्या है? चलिए ठीक, मैं बताती हूँ, इसका नाम है अधो अधोस्तीय कोशिका, ठीक है, अधोस्तीय कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं हाइपो डर्मल सेल। ओके, अब ये जो हाइपोडर्मल सेल है, ये क्या होती है? ये अपने आकार को ना बड़ा कर देती है। ये क्या करती है? अपने आकार को बड़ा कर देती है। ये फ्लो चार्ट इसलिए बना रही हूं ताकि आप सभी को समझ में आता रहे साथ साथ, ठीक है। ऐसे लिखूंगी तो आप सभी को समझने में बहुत आसानी होगी। ये क्या कर रही है? अधोस्तरीय जो कोशिका है, ये हाइपोडर्मल सेल, ये क्या कर रही है? अपने आकार को बड़ा कर देती है। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, अब जब इसका आकार बड़ा हुआ तो क्या होगा? जैसे ही इस कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, किसमें बदल जाती है? पशु कोशिका, ठीक है, प्रपशु कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं हम? आर्ची स्पोरियल सेल्स, ठीक है, आर्ची स्पोरियल सेल, ठीक है। ये जो बीजाणु जनन उतक था, इसमें कोशिका पाई जाती है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधोस्तीय कोशिका बोलते हैं, मतलब हाइपोडर्मल सेल। अब ये जो हाइपोडर्मल सेल होती है, ये क्या करती है? अपने आकार को बड़ा कर देती है ना। अब जब इसने अपने आकार को जैसे ही बड़ा कर दिया तो वो किसमें बदल जाती है? प्रपशु कोशिका में, जिसको क्या बोलते हैं हम? जिसको बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री का मतलब जो उसके गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम्स थे, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ हो गया जहां पर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, ठीक है, जहां पर गुणसूत्र आधे हो रहे हैं। और सम यानी कि समसूत्र, यहां पर ये जो गुणसूत्र हैं समान रहते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अर्ध मतलब आधा और सम मतलब समान। तो यहां पर क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। यहां क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हुआ है, जहां पर, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से दो कोशिका का निर्माण होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा? दो कोशिका का निर्माण होगा, लेकिन यहां पर जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, ये जो गुणसूत्र हैं, मतलब क्रोमोसोम्स, इनका जो नंबर है वो क्या रहेगा?
समान रहेगा, ठीक है, इनका जो नंबर है समान रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब अगर वहां पर 2n था तो यहां पर भी 2n ही बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप सभी को? चलिए ठीक है, अब इसको आगे हम फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका जो क्रोमोसोम था वो 2n था, ठीक, ये दो भागों में यहां पर डिवाइड हो गया, ठीक है, इसका जो क्रोमोसोम था मतलब 2n और 2n में, ठीक। अब जब यहां पर दो कोशिका बनी, ठीक है, जब यहां पर दो कोशिका बनी तो एक का नाम क्या हुआ? प्राथमिक। पहली कौन सी थी? प्राथमिक। पहली कौन सी थी? प्राथमिक भित्तीय, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी कौन सी थी? प्राथमिक, प्राथमिक पुंब बीजाणु जनन, पुंब बीजाणु जनन, पुंब बीजाणु जनन कोशिका, पुंब बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। आप ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी ये आगे चल के चार भागों में विभाजित हो जाती है, चार परतों में, ठीक है। कौन कौन से चार परतें हैं? पहली हमारी हो गई बाह्य परत, ठीक है, हमने ऑलरेडी इन सभी परतों के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहली बाह्य परत, फिर कौन सी थी? बाह्य परत के बाद अंतः, अंतः स्थीसियम, ठीक है, अंतः स्थीसियम। उसके बाद कौन सी थी? मध्य परत। और फिर आखिरी में कौन सी थी? एपिटम। करेक्ट, बिल्कुल, यहां तक समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पराग मात्र कोशिका कहां चली गई है? ये तो मैडम ने बोल दिया कि ये तो फिर से वही चीजें आ गई हैं जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था। तो ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ओके, अच्छे से समझिएगा डायग्राम को, ठीक। तो इस डायग्राम में हमने क्या किया? फिर से वही डायग्राम बना रहे हम, जहां पर चार लेयर्स थी, ठीक। तो जो सबसे पहली लेयर थी, हम बात करते हैं उसकी। ये जो सबसे पहली लेयर थी कौन सी थी? बाह्य परत, करेक्ट। चलिए हम बाह्य परत को बनाते हैं। ये हमारी सबसे बाहर की परत है, ठीक है, ये पूरे में ऐसे ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी परत है हमारी? बाह्य परत के बाद जी, इसके बाद हमारी आ गई है अंतःस्थीसियम, ठीक है, ये अंतःस्थीसियम परत आ गई है जी हमारी। ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, कि पराग मात्र कोशिका कहां से आती है, ठीक है, ओके। ये हमारी दूसरी कौन सी हो गई? अंतःस्थीसियम। फिर हमारी आती है मध्य परत, फिर लीजिए ये मध्य परत आ गई है हमारी, ठीक है, इस तरीके से ये आ गई मध्य परत। अब इस मध्य परत के बाद कौन सी आती है परत हमारी, बताइए? इसके बाद हमारी आती है टेपिटम, ठीक है, ये इस तरीके से टेपिटम आ गई। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ये आई हमारी टेपिटम। अब यहां पर क्या होता है?
यहाँ पर मेन रोल आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कौन मौजूद होती है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद है हमारी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अब जब इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका में यहाँ क्या होता है, इस कोशिका में यहाँ पर हुआ हमारा समसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर हमारा हुआ समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो जब यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगी हमारी पराग मात्र कोशिका, ठीक है। क्या कहलाएगी ये कहलाएगी हमारी पराग मात्र कोशिका, ठीक है। क्या कहलाएगी हमारी पराग मात्र कोशिका। अब यहां पर जब ये पराग मात्र कोशिका बन गई है तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा अर्ध सूत्री विभाजन, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अर्ध सूत्री विभाजन हुआ। अब जब यहां पर अर्ध सूत्री विभाजन हो गया है तो क्या बनेगा, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर चार लघु बीजाणु, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेंगे, चार लघु बीजाणु, क्या बनेंगे हमारे, लघु बीजाणु, ठीक है। यहाँ पर चार लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया है जब इस पराग मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक। अब यहां पर ये लघु बीजाणु क्या हुए, क्या कहेंगे इनको, माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है, ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यही जो होते हैं लघु बीजाणु, ये बाद में किस में बदल जाते हैं, पराग कणों में, ठीक है, पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन। लेकिन यहां तक तो पोलन ग्रेन तक हम पहुंच गए, इसके बाद भी यहां पर एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है आप सोच रहे होंगे, तो यहां पर हम जब पराग कण तक पहुंच गए हैं तो यहां पर ये परागकण अभी तक नर युग्मक नहीं बने हैं, ठीक है, यहां तक अभी नर युग्मक नहीं बने हैं, इन्हें नर युग्मक बनने में बहुत टाइम लगेगा अभी, ठीक है, जिसके लिए इन्हें परिपक्व यानी कि मैच्योर होने की जरूरत है। और जब ये मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, ये परागकण जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो नर युग्मक बनेंगे, नर युग्मक कहां बनेंगे, मादा के शरीर पर, ठीक है, ये बनेंगे मादा के शरीर पर, ठीक है। ये परागकण मादा के शरीर पर जाएंगे, उसके बाद यहां पर ये नर युग्मक में बदल जाएंगे, ठीक है। अब यही वो परागकण है जिसके बारे में हमें अपनी अगली क्लास में पढ़ना है। यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम पढ़ेंगे आज परागकण की संरचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं लघु बीजाणु धानी, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था ना इसका, ऐसे लघु बीजाणु धानी, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा था कि
कि ये जो लघु बीजाणुधानी है, यहाँ पर हमने देखा था कि क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि बीजाणु जनन उतक जो क्या है, जो द्विगुणित है यानी कि 2n है। ठीक है, तो इस लघु बीजाणुधानी में जो बीजाणु जनन उतक है वो क्या है, वो 2n है यानी कि द्विगुणित है। यहां ये जो बीजाणु जनन उतक कोशिका है, ये जो कोशिका है यहां पर क्या हुआ है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो क्या बना है, 4 लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु 4। ठीक है, यहां पर निर्माण हो गया है। अब ठीक है, जब ये हमने पढ़ा है तो इसके आगे का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। क्या बनाए, हम बात करेंगे सिर्फ इसकी, एक पार्ट लेते हैं हम। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से यहां पर ले लिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से है ना, ऐसे लिया हमने। अब ये क्या है, लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रो स्पोर, माइक्रोस्पोर। ये क्या है, अभी ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या है, अपरिपक्व अवस्था में है। ठीक है, माइक्रो स्पोर ये क्या है, अपरिपक्व अवस्था, ठीक है, में है। अब ये जो लघु बीजाणु है ये क्या है, ये अगुणित है। ये क्या है, अगुणित। अगुणित का मतलब क्या हुआ, n। क्यों, क्योंकि यहां जो लघु बीजाणु उतक था ये क्या था, ये 2n है, और यहां पर क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। जब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्ध का मतलब क्या बताया था मैंने, अर्ध का मतलब होता है आधा, है ना। तो जब अगर यहां पर 2n है तो क्या हो जाएगा, n और n, है ना। और अगर समसूत्री होता तो सम का मतलब क्या हुआ कि समान रहेगा, कि अगर यहां पर 2n है तो यहां भी भाई 2n होगा और यहां भी कोई बदलाव नहीं होगा, समान होता है। ठीक है, तो यहां क्या है, ये अगुणित है यानी कि n है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। तो जो अगुणित लघु बीजाणु है, जो यहां पर अगुणित लघु बीजाणु है, ठीक है, ये जो है लघु बीजाणु, और यहां पर अब क्या होगा, यहां पर अब समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, इस अगुणित लघु बीजाणु में क्या होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, यहां पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहां से क्या हुआ, ये लघु बीजाणु धानी क्या, जो बीजाणु जनन उतक कोशिका थी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इस अर्धसूत्री विभाजन से हमको अगुणित लघु बीजाणु मिला। अब यहाँ पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये जो है ये क्या होंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, और ये समसूत्री विभाजन कब होता है, जब ये परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, तब समसूत्री विभाजन होता है, और ये जो होता है, ये जो संरचना ये खुल जाती है, और खुलने के बाद ये चारों कैसे आ जाते हैं, इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर खुल के ऐसे हो गया है,
अब यहां पर हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं इसका, चलो हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया, ओके। अब ये जो है ये क्या है, लघु बीजाणु है ना, ये क्या है, लघु बीजाणु है, ठीक है। तो हम यहां पर जैसे ये चार लघु बीजाणु है तो हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ एक लघु बीजाणु की, ठीक है, एक दो तीन और ये चार, ठीक। तो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक लघु बीजाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से इसमें बदलाव होंगे एक में, उसी तरीके से तीनों और में भी होंगे। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए, सबको क्लियर है। चलिए फिर हम आगे बढ़े, और किसी को डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है, ओके। तो जिस तरीके से ये जो चौथे नंबर वाला हमारा लघु बीजाणु है, जैसे ये होगा, ठीक है, वैसे ही इन चारों में भी बदलाव होंगे, वैसे ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो लघु बीजाणु है इसमें क्या होगा, यहां पर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, ठीक है, और इसके बाद, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, ये जो लघु बीजाणु है इसकी परिपक्व अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिखा था ना परिपक्व, तो हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, परिपक्व अवस्था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, परिपक्व अवस्था, ठीक है, जो आगे चल के क्या करती है, ये आगे चल के क्या करती है, पराग कण का निर्माण, ठीक है, पराग कण का निर्माण करती है ये आगे चल के, ओके, पराग कण का निर्माण करती है, ठीक है। तो जैसे ये पराग कण का निर्माण करेगी वैसे ये बची हुई तीनों भी करेंगी, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया कि ये जो एक लघु बीजाणु है इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, ये दो कोशिकाओं का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब कौन सी दो कोशिकाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से वो आपको दिखाई देगी, ये कोशिका है, ठीक है, ये हो गई एक कोशिका, और दूसरी क्या है, इसी के अंदर इस तरीके से, ठीक, इसी के अंदर इस तरीके से, ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया मत समझ लेना आप लोग, ठीक है, कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया जैसा लग रहा है ना, पर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, ये एक कोशिका है और उसके अंदर ये दूसरी कोशिका है। तो जो बाहर वाली कोशिका है इसको हम क्या बोलते हैं, कायिक, कायिक कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका, बार बार गलत हो जा रहा है लिखने में, जो बाहर वाली है इसको बोलेंगे हम कायिक कोशिका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका को। चलो अभी आप लोग मुझे कमेंट बताओगे कि इसको क्या बोलते हैं, मैं तब तक दूसरी कोशिका का नाम बताती हूं, और इसको क्या बोलोगे आप, इस कोशिका को जनन कोशिका, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल, ये क्या है, कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका, जनन कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, आधी स्पेलिंग लिख दी है मैंने, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव
जनरेटिव सेल, ठीक है। और कायिक कोशिका क्या बोलोगे आप? कायिक कोशिका को बोलोगे वेजिटेटिव सेल, करेक्ट। ये हो गई आपकी जनरेटिव सेल और ये क्या हो गई? कायिक कोशिका। अब ये जो जनन कोशिका होती है, ठीक है, ये कहां पाई जाती है? इस कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में। कहां पर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ये बाहर वाली कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका। और अंदर वाली कौन सी है? जनन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और इसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। अब ये जो जनन कोशिका होती है ये इस कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। द्रव्य होता है ना साइटोप्लाज्म, है ना, द्रव्य मतलब लिक्विड, ठीक है। तो इसके लिक्विड में पाई जाती है ये, ठीक है। तो जनन कोशिका कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ठीक। अब ये जो दोनों है ये क्या है? ये दोनों ही सेल हैप्लॉइड होती है, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है, यानी कि एन है, और ये भी हैप्लॉइड है यानी कि एन है, और इन दोनों के पास अपना अपना केंद्रक है। इसका ये रहा जी, इसका ये रहा, ठीक है। इसके पास अपना केंद्रक है और इसके पास अपना केंद्रक है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अभी अब हमको क्या समझना है? हमें जब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो कायिक कोशिका है, ये जो कायिक कोशिका है ये आगे चलकर क्या करेगी। जो चलो मैं एक बार फिर से बना देती हूँ अच्छे तरीके से, यहां पे समझो, ठीक है। ये एक बनी सेल इस तरीके से और दूसरी इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। चलो इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी बताइए जो बाहर वाली कोशिका है उसका नाम क्या है? इसका नाम था कायिक कोशिका, है ना। और ये जो अंदर वाली है इसका नाम क्या था? जनन कोशिका, ठीक है। अब इन दोनों के पास अपना अपना केंद्रक मौजूद है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पास अपना है और इसके पास अपना है, इस तरीके से दोनों के पास अपना अपना केंद्रक मौजूद है। ये भी केंद्रक हो गया और ये भी केंद्रक हो गया, ठीक है, ओके। अब ये भी एन है नंबर में और ये भी एन है नंबर में, ठीक है। तो अब ये जो कायिक कोशिका होती है बच्चों, ये क्या करेगी आगे चल के? ये कायिक कोशिका आगे चल के, आगे आगे चल के क्या करेगी ये, जल्दी बताइए। आगे चलकर परागकण का निर्माण करती है, परागकण की, जब इसमें कायिक कोशिका में आगे चल के परागकण की क्रिया होती है, आगे चल के इसमें क्या हो रही है? परागकण की क्रिया हो रही है, पराग कण की क्रिया हो रही है, क्रिया, ठीक है। तब यहां पर ये मादा के वर्तिकराग पर पहुंचेगी, ठीक है। कायिक कोशिका जब मादा के वर्तिकराग पर पहुंचेगी, मादा के
वर्ती किस पे, वर्ती काग्र पे पहुंचेगी, पहुंचेगी, ठीक है। तो इसका वहां पर काम आता है, इसका एक कोशिका का कहां पर काम आता है, मादा के वर्ती काग्र पर काम आता है। क्या काम करती है ये मादा के वर्ती काग्र पे जाके, बताइए। वर्ती काग्र क्या होता है, क्या कहते हैं वर्ती काग्र को, स्टिग्मा, ठीक है। ये जब पहुंचेगी तो वहां पर इसका काम आता है, क्या काम आता है, रास्ता बनाने का, कि किस तरीके से जो पराग कण है वो मादा के अंदर जो युग्मक है वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये कायिक कोशिका उसमें हेल्प करती है, उसके लिए रास्ता बनाती है, है ना। तो इसका काम क्या है वहां पे, रास्ता बनाने का, रास्ता, बार बार गलत हो जा रहा है लिखते हुए, रास्ता बनाने का, ठीक है। मतलब वहां पर पराग नली बनाती है ये, अभी समझ में आया। अब वहां पे बुलडोजर लेके रास्ता नहीं बनाएगी ये, पराग नली बनाएगी, ठीक है, ये बनाएगी पराग नली का निर्माण करेगी, और इसको हम आगे पराग कण की क्रिया जब होगी तब पढ़ेंगे, ठीक है। पराग नली का निर्माण, ठीक है। और जो जनन कोशिका है उसका क्या काम है, ये जो जनन कोशिका है इसका क्या कार्य है, बताइए, इसका क्या कार्य है, जनन से समझो ना आप, हाँ क्या कार्य होगा इसका, चलिए मैं ही बता देती हूं। तो जी इसका काम है दो नर युग्मक का निर्माण करना, ठीक है। जनन है इसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा, युग्मक के साथ होगा। अच्छा इसको एक बार फिर से समझा दूं आप सबको, ठीक है, चलो ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक लघु बीजाणु जो था हमने उसमें से एक को ले लिया, ठीक। अब ये आगे चल के जब परिपक्व होगा तो क्या होगा, ये जो लघु बीजाणु था, ठीक है, उसमें से हम अगर एक की बात कर दें तो ये जब इसको हम परिपक्व अवस्था में देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर समसूत्री विभाजन हो रहा था, ठीक है। तब समसूत्री विभाजन होने के बाद वहां पर इस तरीके से ये एक संरचना हमारे सामने आई, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, दो कोशिका बन रही थी, ठीक है, तो एक के अंदर एक, आप देखिए नेचर कितनी कमाल है, एक के अंदर एक कोशिका, है ना। और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा कि भाई दोनों के पास अपना अपना केंद्रक मौजूद है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, दोनों के पास, है ना, ठीक है। बाहर वाली को हमने क्या नाम दिया, बाहर वाली को हमने कायिक कोशिका बोला और अंदर वाली को जनन कोशिका। तो ये जो कायिक कोशिका है ये आगे चलकर जब पराकण की क्रिया होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या करती है, ये मादा के वर्तिकराग पर जब पहुंचेगी तो वहां पर क्या होगी, ये वहां पर रास्ता बनाएगी, किसके लिए, नर युग्मक के लिए रास्ता बनाएगी, ठीक है, कि चलो चलो सब चीजें साइड में हो जाओ, नर युग्मक यानी कि राजकुमार पधार रहे, ठीक है। तो ये वहां रास्ता बनाएगी, रास्ता कैसे बनाएगी, पराग नली का निर्माण करके, ठीक है, पराग नली का निर्माण करके वहां रास्ता बना देती है। और इतनी देर में जब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, यहां पे होता है ना मादा युग्मक, है ना। जब ये कायिक कोशिका यहां पहुंचेगी ना तो इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर तो ये जनन कोशिका है, जब ये यहां पहुंच जाती है तो ये इसके अंदर रास्ता बनाने का काम करती है यहां तक पहुंचने के लिए। सोचो कितना लंबा रास्ता ट्रेवल करते हैं, है ना, ठीक है। इसके लिए ये पराग नली बनाती है, पराग नली, करेक्ट, ओके। जब तक ये जो कायिक कोशिका है ये यहां से यहां तक पहुंचती है ना, तब तक धीरे धीरे जो अंदर वाली जनन कोशिका है वो भी अपना काम करती रहती है।
और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये क्या करती है, दो नर युग्मक को बना डालती है। इसका भी काम यहां के खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़े हम। ठीक है, तो अभी तो यहां पर अभी हमने क्या बात करी कि यहां पर समसूत्री विभाजन से ये दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, लेकिन अभी यहां पर जो इसके सॉरी लेकिन अभी भी यहां पर इसके बाहर परतें बनना बाकी है। ठीक है, ये जो कोशिका है इसके बाहर की परतों का निर्माण तो अभी हुआ ही नहीं है, हमने वो पढ़ा ही नहीं है, तो चलो इसके बाहर का जो निर्माण है ना वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा कि भाई ये जो कोशिका है इसे मैं फिर से बनाती हूँ, चलो यहाँ पे इस तरीके से ये एक कोशिका बनी। ठीक है, ये क्या है, कायिक कोशिका। ठीक है, इसके अंदर ये क्या बनी, कौन सी है, जनन कोशिका। ठीक है, ये हो गई जी जनन कोशिका, ये इसका केंद्रक हो गया, और भाई इसका केंद्रक तो यहाँ इस कलर से दिखाई नहीं देगा, फिर भी बना देते हैं, लो ये इसका केंद्रक यहाँ हो गया। ठीक है, पता चल रहा है ना। ठीक है, इसका केंद्रक ये हुआ, इसका केंद्रक ये हुआ। अब इसके बाहर की जो परत है वो दूसरे कलर से बनाते हैं, कौन सा कलर उठाएं, हम उठाते हैं ब्लू कलर। ठीक है, अब इसके बाहर एक परत होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक परत होती है। तो ठीक, इस परत को क्या बोलते हैं हम, इस परत को हम क्या बोलेंगे, सबसे अंदर वाली को इसे कायिक, ठीक है, ये जनन, ठीक है, ये दोनों कोशिकाएं हो गई हैं। अब ये वाली कौन सी कोशिका है बताइए जल्दी से, कौन सी कोशिका है ये, इसको बोलेंगे हम अंतःचोल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, अंतःचोल यानी कि एंटाइम, क्योंकि ये अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अंतःचोल मतलब अंदर, इन मतलब अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुई, अंतःचोल। फिर इसके बाद इसके बाहर एक और कोशिका होती है, ठीक है, इसके बाहर एक और कोशिका होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, ये वाला कलर नहीं दूसरा कलर उठाते हैं, ये तो दोनों फिर एक से कलर दिखाई देंगे ना आप सबको, है ना। ठीक है, इसके बाद ये एक इस तरीके से एक कोशिका होती है, ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो कोशिका ग्रीन कलर से मैंने बनाई है इसको हम बोलेंगे बाह्य चोल यानी कि एग्जाइन। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे ये संरचनाएं बननी भी शुरू हो जाती हैं इस कायिक और जनन कोशिका के बाहर। ठीक है, तो पहली कौन सी बनी, पहली परत बनी हमारी अंतःचोल यानी कि इंटाइन, और दूसरी कौन सी बनी, बाह्य चोल यानी कि एग्जाइन। ठीक है, अब इनके बीच में एक और संरचना पाई जाती है। ठीक है, इनके बीच में एक और संरचना पाई जाती है, कैसी, इस तरीके से, ठीक है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। सबको क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट है पूछिए। अब इसके बाहर की जो परत होती है ना जिसे हम अंतःचोल कहते हैं, ठीक है, कायिक के बाहर की जो परत है अंतःचोल, ये किससे बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है किससे बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए ये किससे बनी हुई होती है।
जिनको मालूम है वो जल्दी से कमेंट में बताइए, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ, सबके लिए बता रही हूँ। तो ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन, करेक्ट। तो ये जो अंतः चोल है ये किससे बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके बाहर की जो है बाह्य चोल यानी कि एक्साइम जिसको कहते हैं वो किससे बनी हुई होती है, स्पोरो, किससे बनी हुई होती है, स्पोरो पोलेनिन, ये बनी हुई होती है। अभी मैंने बताया किससे बनी हुई होती है, स्पोरो पोलेनिन, ठीक है, स्पोरो पोलेनिन, करेक्ट। और ये इतना हार्ड मटेरियल होता है ना कि इसको ब्रेक करना, इसका विघटन करना बहुत मुश्किल होता है, ये इतना हार्ड मटेरियल होता है, क्यों होता है, ताकि ये इसके अंदर की जो संरचना है, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी देखभाल कर सके, उसका ख्याल रख सके, वरना इसको बहुत जल्दी नुकसान हो जाएगा। अब जब ये इतना डेलिकेट है, इतना नाजुक है, तो भाई इसकी सुरक्षा करना तो लाजमी है, नहीं करोगे तो अंदर ही जो जनन कोशिका है इसको क्या होगा, इसको नुकसान पहुंचेगा, तो नर युग्मक कैसे बनेगा, है ना, और नर युग्मक कैसे बनेगा तो वो मादा युग्मक तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन होती है ये बहुत हार्ड होती है, इसका विघटन होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये जो है स्पोरोपोलेनिन, इसको मैंने क्या बताया, इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, है ना, इसको ब्रेक करना, ब्रेक करना आसान नहीं है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर की संरचना होती है। अब आप सोचिए कि इसके अंदर जो नर युग्मक है, जब इतना ये हार्ड है, तो ये जो नर युग्मक है ये यहां से बाहर कैसे आएगा, जब ये ब्रेक ही नहीं हो सकती है, सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा यार। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, ये जो बाह्य चोल है, ठीक है, और ये जो अंतः चोल है, तो अंतः चोल क्या होती है, देखो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है, ये इजीली ब्रेक हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो बाह्य चोल है ये किससे, स्पोरो पोलेनिन से बनी हुई है, लेकिन कुदरत का कमाल देखिए कि ये कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है कि इसके बीच में कहीं कहीं गैप होते हैं। ये जो काली काली सी संरचनाओं को आप यहां देख रहे हो ना, ये जो है ये क्या है, ये गैप है, और जिन गैप को क्या बोल रहे हैं, हम जनन छिद्र बोल रहे हैं, ठीक है, इन गैप को क्या बोल रहे हैं, हम जनन छिद्र बोल रहे हैं। कौन सा कलर, यानी कि जर्म पोर, ठीक है। तो ये जो जर्म पोर है, जनन छिद्र है, यहीं से जब ये नर युग्मक जो होते हैं ये एक जब अवस्था में पहुंच जाते हैं परिपक्व होने के आसपास, क्या करते हैं, ये यही जो एरिया है यहीं से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो भगवान कहीं ना कहीं से सबके लिए कोई ना कोई रास्ता तो बना ही देता है कि ठीक है लो तुम विजय हासिल कर लो, तुम सक्सेस ले लो, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब हो सकता है आप लोग अगर डाउट नट में आए हो तो कहीं ना कहीं से आपके लिए भी रास्ता खुला है सक्सेस का, हाँ, तो यही से स्टार्ट होगी सक्सेस, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये जो नर युग्मक बनेंगे वो इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलेंगे, करेक्ट। यहां तक सभी को समझ में आया, बताइए। अब हमने लघु बीजाणुओं से जो पराग कण बनाया है वो यही है, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया, सबको समझ में आया कि ये क्या है, ठीक है। अभी हमने क्या बात करी कि यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या है, दो कोशिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है यहाँ क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि ये आसानी से टूटता नहीं है,
ठीक है। और हमने क्या बोला कि यहाँ से जो नर युग्मक है वो बाहर कैसे आएंगे, जो यहाँ पे बन रहे थे। फिर से एक बार समझा दूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जब ये परिपक्व होने पे आ जाता है तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब ये परिपक्व यानी मैच्योर होने लग जाता है तो ये बाहर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो नर युग्मक है। नर युग्मक ये क्या कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली आसानी से ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई है। लेकिन क्या कहा था, ये वाली जो लेयर है ये ब्रेक नहीं होती है, आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी नेचर ने कैसे बनाया इसको कि भाई अगर तुम टूटोगी नहीं तो कहीं ना कहीं तुम में हम कमी तो छोड़ेंगे। और वो कमी कहाँ छोड़ी है, इन जनन छिद्रों के रूप में, कि कहीं कहीं ये बनी हुई नहीं है, जगह है इसमें बीच बीच में, ठीक है। तो ये जो बची हुई जगह है ये नर युग्मक इन्हीं जगहों से बाहर निकलते हैं, ठीक है, सभी को क्लियर है, ये यहीं से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ओके। तो जहां से जनन कोशिका टूटकर बाहर निकल जाती है, ठीक है, ये जो जनन कोशिका है ये टूटकर यहां से बाहर निकल जाती है। अब हम जानते हैं कि ये ब्रेक नहीं होती है, है? और जो ये जो छिद्र है यहाँ से जनन कोशिका है यहाँ से नर युग्मक इन्हीं से बाहर निकलते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सबको क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़े, आगे चल के चलिए अब हम बात करते हैं बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट एंड क्या है, गेमिटोफाइट, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से हम वही सेम स्ट्रक्चर रिपीट करते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, करेक्ट है। हमने यहाँ पर लघु बीजाणु की जो संरचना है उसको देखा था, ठीक है, क्या देखा था, लघु बीजाणु, ठीक है, इसकी संरचना देखी थी, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ था, ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन, ठीक है, विभाजन हुआ था, ठीक। इस समसूत्री विभाजन होने से क्या हुआ था, यहां पर पराग कण का निर्माण हुआ, ठीक है, हुआ। अब जब पराग कण का यहां पर निर्माण हुआ है तो क्या होगा, यहां पर नर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है, नर युग्मक का निर्माण होगा, करेक्ट है, बिल्कुल, ओके। अब यहां पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, बीजाणु जनन उतक, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बीजाणु जनन उतक, ठीक है, बीजाणु जनन उतक, करेक्ट। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने क्या बताया था, यहां क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन, ओके, ठीक है, विभाजन। उसके बाद ही यहां पर क्या बना था, उसके बाद ही यहां पर लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था, राइट, हर बार हम यही पढ़ रहे हैं, लघु बीजाणु का निर्माण, ठीक है, निर्माण, करेक्ट। यहां पर सबको समझ में आया, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या है, लघु बीजाणु जनन उतक है, ठीक है। जब इस बीजाणु उतक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है यहां पर, तब क्या बनता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहां तक सभी को क्लियर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए अब हम आगे बढ़े। चलो अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं बीजाणुभिद और युग्मकोद्भिद, ठीक है, बीजाणुभिद मतलब जहां पर बीजाणु बन रहे हैं,
ठीक है, तो बीजाणु कहां पर बन रहे हैं? हाँ, लघु बीजाणु धानी के अंदर, ठीक। और उसके बाद क्या हो रहा है? युग्मकोद्भिद, यानी कि युग्मकों का बनना, ठीक है। जब उसके अंदर क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तब नर युग्मक बन रहे हैं ना। पहले क्या बन रहा है? बीजाणु बन रहे हैं, उसके बाद क्या बन रहा है? युग्मक बन रहे हैं, ठीक है। तो बीजाणुभित मतलब जहां पर बीजाणु बनेंगे, और युग्मकोद्भिद मतलब जहां पर युग्मक बनेंगे, ठीक है। यहां पर क्लियर है? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और हम इनमें अंतर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है बीजाणुभित, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यहां बीजाणु का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? यहां पर बीजाणु का निर्माण हो रहा है, देखो बन रहे हैं ना बीजाणु, है ना। और युग्मकोद्भिद में क्या होता है? देखो यहां पर युग्मक बन रहे हैं, अभी यही बताया था, है ना, ठीक है। उसके बाद बीजाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यही बात करी थी। जब लघु बीजाणु धानी में क्या हो रहा था? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, तब क्या बन रहा था? हमारा लघु बीजाणु बन रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। और इधर क्या होता है? युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन में होता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? जो बीजाणु जनन उतक कोशिका होती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर जो बीजाणु जनन उतक कोशिका होती है, वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? नर युग्मक बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें अर्धसूत्री, जब बीजाणु बनेगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक, और जब युग्मक बनेगा, ठीक है, तब समसूत्री विभाजन होगा उसमें, ठीक है। फिर देखो, मुख्य या प्रमुख बीजाणुभिद अवस्था द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है, मतलब 2x, ठीक। और ये क्या होती है? युग्मकोद्भिद अवस्था अगुणित होती है, यानी कि जो अब तक हम n पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। यहां तक क्लियर है सबको? कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं, फिर से समझा दूं इसको? अगर परेशानी है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहां पर जो बीजाणु का, यहाँ बीजाणुभिद में क्या होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। देखो नाम से ही बता रहा है ना, ये बीजाणु है ना, और ये क्या बता रहा है? युग्मक, ठीक है। तो यहां पे बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे युग्मकों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो बीजाणु का निर्माण कब होता है? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, ठीक है। और युग्मक का निर्माण कब होता है? जब समसूत्री विभाजन होता है, ऐसा ही होता है। अब यहां पर जो ये बीजाणुभिद अवस्था होती है ना, बीजाणुभिद अवस्था होती है, ये क्या होती है? द्विगुणित होती है, ठीक है, यानी कि 2n, हमने 2n की बात करी थी ना, अभी तक x का ही नहीं लिया था, हमने n लिया है हर जगह। ये क्या होती है? द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है, ठीक है। और ये जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, ये क्या होती है? अगुणित होती है, मतलब n होती है, ठीक है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? 60% से ज्यादा आवृत बीजी पादपों में, पादपों के परागकण के, परागकण के क्या होते हैं? परागकण के जो परागकण होते हैं, ये दो कोशिकीय चरण में होते हैं, ठीक है, मतलब झड़ते हैं या संगलित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम बात कर रहे हैं 60% आवृत बीजियों की, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की, कि उनमें क्या होता है? दो कोशिकीय चरण होते हैं, ठीक है, दो कोशिकीय चरण होते हैं। फिर अगला क्या है हमारे पास? शेष प्रजातियों में, ठीक है, चलो अच्छा, इससे पहले मैं आपको अगला समझा देती हूँ, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है? तो ये हमसे बोलना चाहता है कि इस तरीके से ये था स्ट्रक्चर हमारे पास, है ना, ऐसे हम, चलो इसका इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। ये क्या है? परागण, ठीक है, परागकण, ठीक है, क्या लघु बीजाणु धानी में परागकण। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये, अच्छा ठीक है,
यहाँ पर हम शुरू से बात करते हैं, ठीक है, जो 60% आवृत बीजी है, ठीक है, जो 60% आवृत बीजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब परागकण मैच्योर होता है ना, परागकण ये क्या हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, परिपक्व। हमने क्या बात करी थी, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर एक कोशिका और थी, है ना, और इसके बाहर इस तरीके से एक लेयर थी, फिर एक लेयर इस तरीके से थी, ऐसे ही था बिल्कुल, है ना, और इस तरीके से यहां पे एक संरचना और थी, यही बात करी थी हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर अब जैसे ही ये जो है मादा संरचना पे जाता है, ये मादा संरचना है, ठीक है, अब जैसे ही यहां ये मादा संरचना पे जाता है तो क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको क्या होगा, यहां पर, यहां पर जब हवा या पानी या फिर किसी की भी मदद से ये यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये क्या है, वर्तिकाग्र, है ना, यहां पर ये कायिक कोशिका आ जाएगी, कायिक कोशिका, है ना, और ये क्या करेगी, यहां पर पराग नली का निर्माण करती है ना, क्या करेगी ये, पराग नली, पराग नली का निर्माण करेगी, ठीक है। अब जब ये वर्तिकाग्र पर जैसे ही आएगी, पराग नली का निर्माण करेगी, ये फिर क्या होगा, यहां जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका यहां पहुंचेगी, जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, ये यहां से यहां पहुंचेगी, फिर क्या होगा, फिर जब ये जनन कोशिका पहुंच जाएगी तो वहां पर क्या होता है, ये अंडाशय की तरफ जाएगी, ठीक है, ये रहा हमारा अंडाशय, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय तक पहुंचेगी तो यहां पे क्या करेगी, ये नर युग्मक, नर युग्मक का निर्माण कर देगी, ठीक है, यहां पे कितने नर युग्मक बनेंगे, यहां पर दो नर युग्मक बनेंगे, ठीक है। जब ये जनन कोशिका जो है यहां, जब ये जनन कोशिका यहां पहुंचेगी तो क्या होगा, दो नर युग्मक इसके अंदर आएंगे यहां पर, ठीक है, और जब ये मादा युग्मक के साथ संलयित होगी, ठीक है, जब ये मादा युग्मक, ठीक है, युग्मक के साथ संलयित होकर क्या करेंगे, ये निषेचन, ठीक है, निषेचन करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये निषेचन कर रहे हैं, निषेचन की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों, निषेचन की क्रिया करेंगे, ओके, निषेचन की क्रिया करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, युग मनज, ठीक है, और ये ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ 60% आवृत बीजियों में होती है, ठीक है, जो सिर्फ 60% आवृत बीजियों में होती है, बाकी जो बचा 40% है, ठीक है, बाकी जो बचा 40% है उसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने भी बनाया था, ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, और ये क्या है, इसमें पराग कण। अब इसमें ये जो पराग कण है, ठीक है, अब इसकी कोशिका कैसी थी, याद है आपको, अभी यहां बात करी है हमने इस तरीके से, है ना, और इसके अंदर ये कोशिका थी एक, और दोनों के पास अपना केंद्रक मौजूद है ना, दोनों के पास अपना केंद्रक मौजूद है। अब क्या हो रहा है,
यहां पर जब दो नरयुग्मक बनेंगे, यहां पर जब दो नरयुग्मक बनेंगे तो इनके पास भी अपनी 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 अलग अलग क्या होगी, अपने अपने अलग अलग केंद्रक होंगे, ये केंद्रक, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तीन कोशिकी कोशिकीय, ठीक है, तीन कोशिकीय। ये क्या था, कायिक, है ना, ये क्या थी, जनन, ठीक है। और ये दो क्या है, नरयुग्मक, नर युग्मक, ठीक है। अब जब ये परागण में, यहां पर क्या हो रहा है, यहां परागण में पराग कण मैच्योर होता है, ठीक है, मैच्योर हो रहा है, तो जनन कोशिका जो है, जब ये परागकण मैच्योर हो रहा है तो जनन कोशिका में अंदर इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दो नर युग्मक बन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, दो नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर ये जो दो नर युग्मक है, ये जो दो नर युग्मक है, इन दोनों के पास भी अपना अपना केंद्रक है ना, और एक केंद्रक यहां पर ऑलरेडी मौजूद था, तो हम कह सकते हैं कि ये तीन को, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे तीन केंद्रक और तीन केंद्रकीय, ठीक है, तीन केंद्रक या तीन केंद्रकीय, करेक्ट है, बिल्कुल। यहां तक सभी को समझ में आया, ओके। तो ये जो बाकी के 40% होते हैं ना आवृत बीजी, बाकी के 40% आवृत बीजी जो होते हैं उनमें यही तीन केंद्रकीय संरचना पाई जाती है, ठीक है। 60% में क्या होता है, ये वाली संरचना पाई जाती है, और बाकी के जो 40% है उनमें ये वाली संरचना पाई जाती है। सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, यहां पे 60% के बारे में बताया मैंने आपको, यहां पर शेष प्रजाति यानी कि 40% जिनके बारे में हमने अभी बात करी, ठीक है। तो उन 40% में क्या हो रहा है, जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल जो है, समसूत्री विभाजन हुआ वहां पे, मैंने बताया कि उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर जो परागकण झड़ते हैं उससे पहले तीन चरणीय यानी कि तीन कोशिकीय, ठीक है, बनते हैं, उसके बाद दो नर युग्मक को बनाते हैं। उस संरचना में क्या बताया था मैंने, यही बताया था ना, ठीक है, कि वहां पे तीन कोशिकीय संरचना बन रही है, ठीक है, तो वो यही है, ओके। चलो, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं। जो परागकण होते हैं ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, बहुत नुकसान देते हैं ये, लेकिन कुछ लोगों में ये ज्यादा नुकसान दे देते हैं। कैसे, उनको एलर्जी हो जाती है, देखा है कि किसी किसी को फूलों से एलर्जी होती है, खुशबू सूंघते हैं वो छींकने लगते हैं खूब सारी, है ना, बस वही एलर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, कि उनको गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना, मतलब जो सांस ले रहे हैं उसमें दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो ये परागकण जो है बहुत नुकसान वाले भी होते हैं, ठीक है, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, ठीक है, मतलब चिरकालिक मतलब बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से हमको वो परेशानी से सामना करना पड़ सकता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि दमा हो गया, श्वसनी शोथ यानी कि ब्रोंचाइटिस, ठीक है, जो हमारे फेफड़ों में बीमारी हो जाती है वो, दमा मतलब अस्थमा, ठीक है, आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो एलर्जी की वजह से क्या होता है, अस्थमा भी हो जाता है, ठीक है, ओके। भारत में आयतियत गेहूं, आयतियत गेहूं के साथ आने वाले गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी का कारक बनती है। मतलब जो बाहर से गेहूं आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या आ रही है, ये गाजर घास आ रही है,
जिसको हम क्या बोलते हैं गाजर घास को, पार्थेनियम बोलते हैं। ठीक है, ये गाजर घास के साथ, गाजर घास किसके साथ आ रही है, गेहूं के साथ जो बाहर से आयात होकर आ रहा है, ये भी क्या बन रहा है, ये भी पराकण एलर्जी का कारक बन रहा है। ठीक है, चलो फिर ये सब हमने समझ लिया है कि ये 60% में हो रहा है ना, ये 60% में होता है और ये 40% में होता है। यहां तक क्लियर सबको? ओके, चलो अब ये गाजर घास देखो क्या होती है गाजर घास। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, देखा है इसको, बहुत कॉमनली दिख जाती है ये, है ना, यही है वो गाजर घास जिसमें सफेद सफेद फूल उगते हैं, ये एलर्जी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पराकण पोषणों से भरपूर होते हैं, ये चीज तो हम जानते हैं कि ये पोषण से भरपूर होते हैं, है ना, बहुत हेल्दी होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों, है ना, पराग गोलियों यानी कि टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोषण से भरपूर हैं, इनमें पोषण पाया जाता है, इसलिए इनकी टैबलेट्स बना लिए। टैबलेट्स जो है आहार संपूरकों के रूप में, मतलब जो खाना है उसको कंप्लीट करने के लिए, कि कोई कमी ना रह जाए, तो ये जो पोषण है ये इसमें मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पराग गोलियां होती है इनको टैबलेट के रूप में भी लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। जो पश्चिमी देश है वहां क्या हो रहा है, वहां पर ये जो पराग उत्पाद है वो गोली और सिरप के रूप में बाजारों में आसानी से मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, उसका रीजन इस लाइन में है, देखिए इसको। पराग खपत का यह दावा है कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी एवं घाव अश्व, अश्व मतलब घोड़े, खिलाड़ी एवं घोड़ों की जो कार्य दक्षता होती है, मतलब उनके काम करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको क्या करता है, ये वृद्धि करता है, बढ़ा देता है। कभी सुना है आपने कि जो ये प्लेयर्स होते हैं इनका टेस्ट होता है ना, टेस्ट में क्या पता लगाते हैं कि इन्होंने कोई दवाई कोई गोली वगैरह तो नहीं ली है, करते हैं ना ऐसे, और जिनके शरीर में निकलता है उनको क्या करते हैं, उनको बैन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ऐसा हमने सुना है, सुना है ना, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो वो यही है कि पराग खपत का दावा है कि खिलाड़ियों एवं घाव अश्वों यानी घोड़ों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? और अगर डाउट है तो क्या करना है आपने को, डाउट नेट करना है, क्योंकि यही से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, पराग कण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। ठीक है, मतलब सबके लिए नहीं है ये, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में पराग कणों का जीवन क्षमता महीनों तक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अच्छा एक बात सुनो, जब पराग कण बनते हैं संख्या में बहुत सारे बनते हैं, है ना, तो उनमें से कुछ एक ही होता है, एक या दो जो मादा युग्मक तक पहुंच पाता है, बाकी सब क्या होते हैं, कोई हवा से उड़ जाता है, कोई पानी से उड़ जाता है, सब तो बेचारे मर गए, है ना, एक आधा की पहुंचता है सिर्फ मादा युग्मक तक, तो इसीलिए उनकी जो जीवन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो है पराग कणों का जो जीवन क्षमता है वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब महीनों तक वो आराम से टिके रह सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, बहुत सी प्रजाति के पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। जैसे हम लोग जो नर युग्मक या मादा युग्मक होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको भंडारित कर सकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम पराग कणों को भी भंडारित कर सकते हैं बैंकों में, उसको क्या बोलते हैं, द्रव नाइट्रोजन। ठीक है, ये एक ऐसा लिक्विड है, ठीक है, जिसमें हम इन पराग कणों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं,
ताकि आगे चल के हो सकता है ये कहीं काम आ जाए, है ना, हो सकता है कोई नई प्रजाति बना ले इससे, ठीक है, ओके। फिर आता है इस प्रकार से भंडारित परागकण का प्रयोग बीज भंडार, भंडार मतलब बैंक, ठीक है, कि भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। मैंने क्या बोला आपको कि हो सकता है कोई मॉडिफाइड बना दे, कोई मतलब कोई जो मॉडिफाइड परागकण है वो बन जाए जिससे अच्छी प्रजाति का जन्म हो जाए, राइट, यहां तक क्लियर सबको, ओके। अब स्त्री केसर, तो ये वो संरचना है जिसके बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है, जहां पर हमने अभी बहुत कुछ सीखा है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, टाटा, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।